फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट JRF के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्रैक कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। कौन से वो स्टेप हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, और आप अगर वो स्टेप लेंगे तो आपका JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा। सबसे पहले तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिक्स को आप क्लियर करोगे, और बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका एग्जाम है, जैसे आपको UGC नेट देना है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस आप लेकर आएंगे। उस सिलेबस को 2-3 बार आप बैठ के पढ़ेंगे, और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद उसमें आपका ये कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, उसमें एक मिडिल जोन क्या है, और एक इसका आपका ब्लैक जोन क्या है, मतलब यानी वीक जोन क्या है, वो आप नोट कर लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, जो UGC नेट का सिलेबस है, उसमें से कितने परसेंट टॉपिक आपको कंप्लीट क्लियर हैं, कितने परसेंट टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जिसको आपको बिल्कुल अभी तक वो अनटच हैं, उनको स्टार्ट से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो उन टॉपिक को नोट कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो कोई मंजिल, यानी आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आएगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से समझिए, और अगर आपको एक बार सिलेबस समझ में आ गया, कहते हैं ना गुड स्टार्ट हाफ डन, तो आप ये समझिए कि आपका आधा काम हो गया। सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को पूरा अच्छे से समझिए, पहले 5 दिन उसी के ऊपर लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस आपको समझ में आ गया, तो आपके जो एग्जाम अभी तक आ रहा है उसके नेचर को समझिए, उसमें किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं उसको पूरा समझने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं हमारे पास अवेलेबल, यानी ये कह लीजिए कि दिसंबर 2023 तक एग्जाम अभी तक हुआ है, तो उस तक के कम से कम 10 ईयर तो कम से कम पूरे वो पेपर लीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं आपके सिलेबस के जो बार बार रिपीट करते हैं, और उन टॉपिक में से भी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप ये चीज़ समझेंगे नहीं तो कुछ बात बनेगी नहीं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो सिलेबस क्या है, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको समझ में आएगा कि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उनका नेचर क्या है, और बार बार क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होता है, वो आपको एक बार समझ में आ गया, ये सोच लीजिए कि आपका 50% काम डन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अच्छे जो रिकमेंडेड बुक हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सबके कुछ रिकमेंडेड बुक होते हैं, उनको अच्छे रिकमेंडेड बुक, ये नहीं कि आप ये गुटका टाइप बुक ले लेंगे, कोई भी आप किसी भी एक पब्लिशर की, जैसे पूरा कंप्लीट उसमें नेट का सिलेबस आता है, जो इनको गुटका टाइप बुक बोलते हैं, वो बुक नहीं, रिकमेंडेड बुक जिसके ऊपर हर टॉपिक बहुत डिटेल में दिया गया हो, उन बुक को लेके आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे कि कितने महीने हैं हमारे पास अभी, जैसे अभी जून का जो एग्जाम अटेम्प्ट होने वाला है उसमें तो अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हम दिसंबर को अगर टारगेट बनाएंगे तो हम इजीली JRF क्रैक कर पाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप अकॉर्डिंग टू स्टडी प्लान उनको डिवीजन करेंगे कि इस टाइम में मैं इतना सिलेबस, इस बुक को इतना क्लियर करूंगा, और उसमें साथ साथ में आप क्या करेंगे, हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है उनको पहले हाईलाइट करेंगे, वो टॉपिक आप देखेंगे किस बुक में कितने टॉपिक हैं, उसके बाद वहाँ से क्या करेंगे, जब आप उस डिटेल बुक को पढ़ोगे, रिकमेंडेड एंड डिटेल बुक बोलते हैं इनको, उसमें को जब आप पढ़ेंगे तो क्या करें कि अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। आप दूसरे के नोट्स के ऊपर, बहुत लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग नोट्स भेजते रहते हैं कि आप ये नोट्स हैं, वो नोट्स हैं, जब तक आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अगर आप बुक के 100 पेज पढ़ रहे हैं, 100 पेज पढ़ रहे हैं, तो आप 10 पेज उसमें से नोट्स बनाइए, और इस काम के ऊपर आपको 3 मंथ लगाने हैं। अगर 3 मंथ लगाकर आपने ये नोट्स बना लिए, देन आपको लाइफ टाइम उस सब्जेक्ट से कोई निकाल नहीं सकता, मतलब हर एग्जाम, ये केवल UGC नेट JRF नहीं, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई बाद में जब जॉब के लिए स्क्रीनिंग होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी एक इतनी अच्छी पकड़ विद इन 3 मंथ आपकी पकड़ हो सकती है। तो ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे नोट्स बनाए, हर टॉपिक के आप अच्छे नोट्स बनाइए जो आपके सिलेबस के अनुसार। उसके बाद नोट्स कभी भी
पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए, नोट्स आपकी इजी लैंग्वेज में होने चाहिए। ये नहीं कि बुक लैंग्वेज आपने नोट्स में लिख दी, वो नहीं चलेगा। आपको इजी लैंग्वेज में, जो आपकी खुद की सेल्फ लैंग्वेज है आपके, उसमें डायग्राम भी होने चाहिए, उसमें हाइलाइटर भी होने चाहिए, उसमें अलग अलग रंग के, कहते हैं ना, कलर के पेन भी आपको प्रयोग करने चाहिए। मतलब नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो बाद में आपको पढ़ने को मन करे, क्योंकि जो लास्ट टाइम रहेगा, जो वन एंड हाफ मंथ, लगभग डेढ़ महीना हम केवल नोट्स पे ही लगाएंगे। जैसे आपके नोट्स बन गए, अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक आपको आपके जो सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू डेली टॉपिक वाइज, और एक आपके नोट्स, और तीसरा आपके पीवाईक्यू। तीन चीज़ों को लेकर आप पढ़ना शुरू कीजिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है कि यूजीसी में क्या होता है कि कोई ये तो है नहीं कि इतने ही अटैम्प्ट हम दे सकते हैं जैसे यूपीएससी में है। आप इसमें ये डिसाइड जरूर कीजिए कि मुझे दिसंबर तक ही एग्जाम क्रैक करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं होता अगली बार दे लेंगे, इससे नहीं होगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको कम से कम अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ डेली 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे पढ़ें। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, ये नहीं कि बहुत ईजी एग्जाम नहीं है। और अगर आपने 6 महीने अपने आपको दे दिए, अपनी स्टडी को दे दिए, तो लाइफ टाइम आप अचीव ही करोगे। बाद में आपको कोई ज़्यादा कहते ना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट को 6 महीने दे दिए। तो ये स्टेप हैं, आपको केवल सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बेसिक को पढ़ना है, उसके बाद अपने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको समझना है अच्छे से, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम को पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको अपने जो डिटेल रिकमेंडेड बुक पढ़ना है, उसके बाद आपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, देन उसके लास्ट एंड हाफ मंथ में आपने एमसीक्यू और पीवाईक्यू के साथ अपने नोट्स पढ़ने हैं। इस प्लान के साथ अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है, या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एग्जाम है, अगर आप इसको उसको करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए आप जो ब्राइट जोन इमिग्रेशन एकेडमिक जोन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ में क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और या इंग्लिश है, तो ये चैनल आपके लिए गिफ्ट है। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो पहले से ही इन सब्जेक्ट के डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही देखो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे किसी को फॉलो जरूर करो, आपको समझ में चीज़ें आएंगी। थैंक यू।